Hi guys, subscribe to my hashtag stylish channel and press the bell icon for the latest updates. Hey guys, it's Asha. Welcome back to my channel. So, आज का episode है birthday makeup look. तो मैं आज birthday makeup look create करने जा रही हूँ. ये birthday makeup look बहुत ही simple and daytime makeup look रहेगा, जो daytime के लिए बहुत ही best है. एंड बहुत ही कम प्रोडक्ट के साथ, बहुत ही लिमिटेड प्रोडक्ट के साथ इस मेकअप लुक को क्रिएट किया गया है. एंड बहुत ही अफोर्डेबल प्रोडक्ट के साथ भी, एंड कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स एंड सब यूज़ कर सकते हैं इस मेकअप लुक को, ट्राई कर सकते हैं. एंड स्कूल, स्पेशली स्कूल गर्ल्स भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मैंने आईलाइटर नहीं अप्लाई किया है एंड बहुत ही कम कॉन्टोरिंग दिया है. तो ये बहुत ही सिंपल मेकअप लुक है, जो सिंपल गर्ल्स के, गर्ल्स बहुत सूट रहेगा. तो यही मेकअप लुक मैं क्रिएट करने जा रही हूँ. एंड ऑलरेडी इस लुक को मैंने क्रिएट किया था, बट फाउंडेशन की कुछ ऑनलाइन शॉपिंग किया था तभी उस फाउंडेशन का कलर चेंज हो गया था, स्किन टोन से मैच नहीं किया तो, एंड वो मेरा फेस वाइटिश हो गया था. तो इसके लिए मैंने सोचा कि अगेन इस लुक को मैं रिक्रिएट करूँ बर्थडे मेकअप लुक, एंड अगेन आप लोग के लिए मैं ये वीडियो अपलोड करूँ. तो ये मैंने अगेन न्यू वीडियो बनाकर आप लोग के लिए अपलोड किया है. सो बिफोर गोइंग टू माई वीडियो, इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब माई चैनल देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल. अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आया तो कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, और क्या गाइस लाइक कर दे. सो लेट्स गेट स्टार्ट गाइस. कैसे किया बताती हूँ. सबसे पहले मेरे फेस को, मतलब एक बेस देने के लिए, मेरे आईलिड को एक बेस देने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ एडीएस का कंसीलर. एंड कंसीलर को अच्छे से मैं इसको ब्लेंड कर दूँगी, आईलिड में अप्लाई करके मैं अच्छे से इसको ब्लेंड कर दूँगी. उसके बाद उस कंसीलर को पैक करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ, सेट करने के लिए मेबलिन न्यूयॉर्क कॉम्पैक्ट, एंड उसे भी मैं अच्छे से आईलिड में अप्लाई कर रही हूँ. उसके बाद लिप बाम के लिए यूज़ कर रही हूँ हिमालया लिप बाम. एंड उसके बाद आई शेडो के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ एडीएस का ब्लश, पिंक कलर का है एंड मैट है. इसे मैं एज ए आई शेडो यूज़ करूँगी एंड ऑल ओवर माई आईलिड में इसे अच्छे से अप्लाई करूँगी गाइस, एंड अच्छे से इसको मैं ब्लेंड करूँगी. उसके बाद द फैशन फैक्टर 18 कलर आई शेडो पैलेट से मैं एक सिंपल लाइट ब्राउन कलर का शेड ले रही हूँ एंड उसे भी अच्छे से ब्लेंड करूँगी. एंड इसे ये ब्राउन कलर इसलिए यूज़ कर रही हूँ, दोनों को थोड़ा कलर, पिंक कलर को लाइट करने के लिए थोड़ा सा दोनों को अच्छे से ब्लेंड करूँगी एंड अच्छे से ऑल ओवर माई लिड इसे ब्लेंड कर दूंगी. एंड उसके बाद पर्पल कलर लेके, ये फाइनल कलर लेके पर्पल, एंड इसे भी मैं अच्छे से सेम पैलेट से लेकर मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ. एंड इस एक कम्प्लीटली ब्लेंड होने के बाद हमारा आई शेडो का लुक कम्प्लीट होता है. बहुत ही सिंपल आई शेडो है इस लुक को, बहुत ही सिंपल एंड थ्री कलर्स के साथ क्रिएट किया है. तो इसे कम्प्लीटली ब्लेंड होने के बाद हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है आईलाइनर. तो उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ एमएन वाटरप्रूफ आईलाइनर, एंड इसका रिव्यू मैंने ऑलरेडी किया है लास्ट वीडियो में, तो मैं आपको स्क्रीन में इन द एंड दे दूँगी. एंड आईलाइनर मैंने अप्लाई करने के बाद फॉल्स आईलैशेस ऑफ स्क्रीन लगाया था. उसके बाद मैं अभी फेस को प्राइम करने के लिए यूज़ कर रही हूँ पतंजलि एलोवेरा जेल, एंड इससे मेरे फेस को अच्छे से प्राइम करूँगी. एंड अगेन मैं वीओवी का ही कॉम्पैक्ट ले रही हूँ, बट एंड लिमिटेड अमाउंट में मैं मेरे फेस में अप्लाई करूँगी एंड मेरे नेक में अप्लाई करूँगी. एंड ब्यूटी ब्लेंडर के थ्रू मैं अच्छे से इसको ब्लेंड कर दूँगी बहुत ही अच्छे से, ताकि कोई केकी ना लगे हमारे फेस में. अच्छे से टैबिंग मोशन में एंड अच्छे से इसको मैं ब्लेंड कर दूंगी. एंड इसे फोरहेड, नेक, सब जगह अच्छे से मैं इसको ब्लेंड कर दूंगी. एंड उसके बाद सेम कंसीलर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ एडीएस का कंसीलर, एंड इसे मैं मेरे अंडर आइज, नोज़, फोरहेड, सब जगह मैं इसको अप्लाई करूँगी. एंड इसको भी ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से मैं इसको ब्लेंड कर दूंगी. एंड अच्छे से ये ब्लेंड होने के बाद मैं इसको सेट करने के लिए यूज़ कर रही हूँ मेबलिन न्यूयॉर्क कॉम्पैक्ट, एंड इसको जहाँ पे मैंने सिर्फ कंसीलर अप्लाई किया वहीं पे इसको मैं सेट करूँगी. एंड उसके बाद कंसीलर अप्लाई करने के बाद मैं मेरा ब्लश यूज़ कर रही हूँ, जो एडीएस का, अगेन उसी ब्लश को लेके मैं मेरा आईलिड्स में, बिलो ऑफ माय आईलिड में अप्लाई करूँगी. एंड मैं काजल के लिए यूज़ कर रही हूँ ब्लू एवन एक्सप्रेशन काजल, एंड उसको मैं अच्छे से अप्लाई करूँगी अपने वाटर लाइन पर. उसके बाद मैं अगेन द फैशन फैक्टर का 18 कलर आई शेडो ब्राउन कलर का लेके मेरे
कॉन्टोरिंग उसी से कर दूँगी सिंपली चिक्स और फॉरहेड में, एंड उसी से मैं कॉन्टोर कर दूँगी क्योंकि वो ब्राउन शेड है एंड मैट है तो एज ए कॉन्टोर काम करेगा एंड बहुत ही अफोर्डेबल होगा। एंड इसे अच्छे से फॉरहेड में मैं यूज़ करूँ एंड अगेन सेम ब्लश को ही मैं एज ब्लश लूँगी एडीएस का एंड इसे मैं आई पॉइंट ऑफ मैं चिक एंड मैं अच्छे से चिक्स में मैं इसको अप्लाई कर दूँगी। एंड उसके बाद मैं आईलाइटर नहीं अप्लाई कर रही, आप चाहे तो आईलाइटर आप अप्लाई कर सकते हो, डे टाइम है तो इसके लिए मैंने आईलाइटर स्किप किया है। एंड उसके बाद मैं लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ लैक्मे का 9 to 5 लिपस्टिक और ये बर्गंडी कलर है एंड इसे मैं अप्लाई करके इस लुक को कंप्लीट किया है। सो गाइज़ यही है मेरा फाइनल मेकअप लुक जो मैंने क्रिएट किया है, बर्थडे मेकअप लुक, बहुत ही अफोर्डेबल लिमिटेड प्रोडक्ट के साथ एंड बहुत ही इजी मेकअप लुक, सब ट्राई कर सकते हैं एंड बिगिनर्स के लिए ये बहुत ही ऑसम एंड इजी स्टेप बाय स्टेप इस लुक को मैंने क्रिएट करके बताया। आई होप गाइज़ आपको ये मेरा मेकअप लुक पसंद आया रहेगा एंड बहुत ही अच्छा डे टाइम मेकअप लुक है। अगर आप चाहें तो इसमें आईलाइटर लगाओगे तो और भी ऑसम लगेगा। तो सो गाइज़ यही है मेरा बर्थडे मेकअप लुक, अगर आपको पसंद आया तो मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें आपको ये मेकअप लुक कैसा लगा एंड शेयर करें और क्या लाइक तो ज़रूर करिएगा एंड सारे प्रोडक्ट के प्राइजेस आपको सारे प्रोडक्ट के नेम्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। बाय गाइज टेक केयर, बाय बाय, सारे प्रोडक्ट के प्राइस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। बाय गाइज टेक केयर, बाय बाय।